झज्जर के गांव में आयोजित शादी समारोह में ड्रोन उड़ाए जाने का मामला इस कदर बड़ा कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने फोटोग्राफर की पिटाई कर दी। आरोपियों पर फोटोग्राफर की बेरहमी से पिटाई करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसके पैसे छीनने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर फोटोग्राफर एसोसिएशन की एक बैठक भी हुई। बैठक में जहां इस प्रकरण की तीखे शब्दों में निंदा की गई, वहीं एसोसिएशन के सदस्यों ने शहर भर में प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम को एक ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन फोटोग्राफर एसोसिएशन को दिया है। मीडिया से रूबरू हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि बीती 12 तारीख को झज्जर जिले के बादली सब डिवीजन के गांव गुभाना में एक फोटोग्राफर ने बुकिंग ले रखी थी। इसी में ड्रोन उड़ाकर वीडियोग्राफी की जा रही थी। इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने फोटोग्राफर को हिदायत दी कि ड्रोन उनके कहे बिना नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि ड्रोन में बैटरी की क्षमता 15 से 20 मिनट की होती है और उसके बाद बैटरी बदलना स्वाभाविक होता है, इसी मजबूरीवश जब फोटोग्राफर ने ड्रोन को नीचे उतारा तो आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में आरोपियों से बचाव के लिए पीड़ित फोटोग्राफर ने जहां भागते भागते अपने परिजनों को फोन किया, वहीं उसने वीडियोग्राफी भी बना ली, लेकिन इसी दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसे एक दफ्तर में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से गालियां भी दी और उसकी जेब से रुपए भी निकाल लिए। इस मामले में पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने पीड़ित फोटोग्राफर के बयान लिए हैं और आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण फोटोग्राफर एसोसिएशन में भारी रोष है और उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को जल्द ही नहीं गिरफ्तार किया गया तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। गुभाना गांव के अंदर जो हादसा हुआ, इसके लिए हम लोग यहाँ सभी भाई एकत्रित हुए। 12 तारीख की सूचना के बाद, जो कि पुलिस को पार्टी को दी जा चुकी थी, सूचना लिखित में देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते पूरे देश और प्रदेश, हमारे प्रदेश हरियाणा से भी और देश भर से फोटोग्राफरों द्वारा संदेश भी मिले और इकट्ठे भी हुए। इकट्ठे होकर जब आज प्रदर्शन किया गया, तब उस पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी मेडिकल जांच के आदेश प्लस उसका बयान आज लिया गया। 12 तारीख से लेकर अब तक इन्होंने कुछ भी जांच नहीं की, ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा दोषियों को पकड़ा गया था। आज उन्होंने कार्रवाई शुरुआत की है और आज हम SP साहब से मिले हैं और उनसे बात में उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाएगी और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये अभी मामला मेरे संज्ञान में लाया गया है कि 12 तारीख को गुभाना गांव में किसी शादी में शादी के कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोटोग्राफर को मतलब बुलाया गया था, तो उसमें जो फोटोग्राफर है उसका ड्रोन की बैटरी चेंज करने के लिए उसने ड्रोन जब नीचे उतारा, इस बात से लोग जो बाराती थे या बारात के रिश्तेदार थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने फोटोग्राफर के साथ में जो मारपीट वगैरह की है और उसको मारपीट, उसके बाद फिर कहते हैं कि वो वापस जाने पर उसको उठा के ले जाकर फिर दोबारा मारपीट करी है। ये संबंध में मामला आज मेरे संज्ञान में लाया गया है। इस बात से फोटोग्राफर इस बात से नाराज़ थे कि पुलिस को 12 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया गया था परंतु इसमें कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच में दो दिन मतलब जो SHO थे वो SHO छुट्टी पे थे, या तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है या किसी तरफ से लापरवाही हुई है, तो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मैं निर्देश दे रहा हूँ।